हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द सम इनसाइट्स फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी एंड द टॉपर इज विद मेधानंद AIR 13 2023 एग्जामिनेशन जो अभी हुआ था, इसके रिजल्ट्स आए थे एंड वी हैव सेलेक्टेड द टॉपिक कॉपी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जिसको जो कि मेंस इन्होंने यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो इनका हम अभी मेंस का कॉपी एनालाइज करेंगे। इनसाइट्स होंगे हमारे पास कि कैसे एक मेंस का आंसर लिखते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, टॉपर ये कैसे बनी मेंस का आंसर लिखने के बाद। और हमारे यहाँ पे जेएस स्कोर का एक टेस्ट कॉपी है। पर्टिकुलरली व्हाई वी हैव टू सी द इनसाइट्स फ्रॉम टॉपर्स कॉपी इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द टॉपर्स कॉपी गिव्स अस अ डायरेक्ट एंड बोथ इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ व्हाट द यूपीएससी वांट, कि यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मेंस आंसर राइटिंग की। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारी अलग अलग बातें करेंगे, अलग अलग सही बातें समझाते भी हैं, बट एक टॉपर्स कॉपी के हिसाब से हमें एक इंसाइट्स मिलता है कि इन्होंने अपने आंसर्स कैसे स्ट्रक्चर किए थे और अपने को कैसे प्रेजेंट किया था, कैसे अपने आप को इन्होंने एक्सप्रेस किया था। ठीक है, सो फॉर दैट मैटर लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग आई विल शेयर विथ यू द मार्क्स ऑफ मेधानंद दैट सी हैज गॉट टोटल 875 मार्क्स। टोटल जो इनके जीएस में मार्क्स थे 875 थे एंड आउट ऑफ दैट शी हैड गॉट इन द जीएस पेपर 1 93, इन द जीएस पेपर 2 शी हैड गॉट द मार्क्स 131 विच इज वेरी ब्रिलियंट, इन द जीएस पेपर 3 शी हैज गॉट द मार्क्स 99 एंड द जीएस 4 दैट इज द एथिक्स द मार्क्स इज extraordinary 140 and the marks 140 she has attributed the success to the GS score, the same institute which we have the mains answer writing copy. Okay, so let's start the session here. The first thing you have to notice that the marks which she is getting in the institute itself, इनको यहाँ पे 87 marks मिले हैं। Topic क्या है? Values in the कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरल्स हैं, उसके ऊपर इन्होंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे विद द टाइम लिमिट एंड द मैक्सिमम मार्क ऑफ 250। सो द सेम पैटर्न ऑफ यूपीएससी हैज फॉलोड। ओके, सो द मार्क्स 87 इज अ गुड वन फॉर प्रैक्टिस, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी द मार्क्स व्हिच शी हैड गॉटन जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 दैट 131 एंड 140। इट सेज दैट शी हैज अ क्लैरिटी इन द थॉट प्रोसेस। किसी भी एस्पिरेंट से आप बात करेंगे, दे विल से दिस थिंग ओनली कि क्लैरिटी इन द थॉट प्रोसेस एंड एक्सप्रेशंस, बिकॉज दीज टू पेपर्स जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 रिक्वायर्ड द चर्निंग ऑफ द थॉट्स एंड प्रॉपर एक्सप्रेशंस, सो सी इज गुड इन दैट। विल सी मोर अबाउट हर इन द क्वेश्चंस एंड हाउ सी हैज हैंडल्ड द क्वेश्चन विद हर आंसर्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। ओके, सो क्वेश्चन सेज, क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी इंपॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझा नहीं है क्वेश्चन को, यू विल नॉट बी एबल टू राइट प्रॉपर आंसर ऑन दैट, क्योंकि आंसर लिखने में ये होता ही नहीं है कि जो हमें आता है वो हम लिख दें। आंसर में होता क्या है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वॉट एवर द एग्जामिनर्स इंटेंट्स टू चेक यू फ्रॉम द क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। सो इसमें क्वेश्चन है कि ऑल दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, does not use the word federation, संघ, federation word use नहीं करता है, but the Indian Union, जो भारत का संघ है, वो based on the principles of federalism, कि वो federalism के principle पे based है। हालांकि संविधान ये कहीं इसने word नहीं use किया है, but जो union है वो federalism के principles पे based है, इसको discuss करना है। ठीक है, so of course the keywords are that federalism is not mentioned, but principles जो इंडियन यूनियन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है एंड द की डायरेक्टिव इज दैट डिस्कस दैट यू हैव टू ओनली डिस्कस मार्क्स इज 10। सो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एस्पिरेंट्स फील द डिफरेंस दैट हाउ वी कैन गो विद द यू नो इंट्रोडक्शन, कैसे अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस करें, उसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाए कि पहले कौन से आर्गूमेंट आएंगे, उसके बाद कौन से आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू शो दैट द यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, तो इसमें वॉट वी नीड सम काइंड ऑफ फैक्ट्स टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर, वी नीड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वी नीड सम काइंड ऑफ करंट लिंकेजेस विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द ऑब्जर्वेशंस और द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो इसके लिए क्या जरूरी है आपके पास? करंट अफेयर्स का डायनेमिक नॉलेज, जो आप
स्टैटिक से इंटरलिंक कर सकें। इनके आंसर्स में हमें वही देखने को मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट द रीडिंग द आंसर्स। इन्होंने क्या स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, आर्टिकल वन डिक्लेयर्स, सबको पता होगा एस्पिरेंट्स को आर्टिकल वन क्या है, भारत दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो इन्होंने वहां फेडरलिज्म वर्ड तो यूज नहीं किया, इन्होंने यहां दिखाया वहां पर, बट फिर उन्होंने अपने अगले आंसर्स में जो टॉपर है हमारे पास मेधा आनंद, उन्होंने उस आंसर में लिखा कि कौन से प्रोविजंस ये शो करते हैं भारत का कि यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, सो फॉर दैट मैटर सी हैज यूज द सेवेंथ शेड्यूल एंड सी हैड विल अंडरलाइन दैट थिंग, देन सी हैज यूज द स्टेटस ऑफ द राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ स्टेट्स, बिकॉज राज्यसभा के अंदर ही जो स्टेट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। सो यू कैन गेट टू द नो दैट द आंसर्स विच शी इज राइटिंग हेयर हैव बोथ facts plus their analysis, okay. Then the amending procedure of the constitutions of India that both center and states का जो relation है उसमें इन्होंने इसको इसकी व्याख्या करी है। फिर devolution of finances, आपने देखा होगा आजकल के जमाने में अभी contemporary scenario में कुछ दिन पहले केरला government का issue था center का finance को लेकर, the issue of fiscal federalism rises here, तो इस तरह के इन्होंने चीजों को यहाँ पे अपने answer में highlight किया है। So the thing is that she had worked well on the facts, she has worked well on highlighting the keywords, and she has adhered to the demand of the question. कि question ने जैसे demand किया है उन्होंने उस मुताबिक उसका answer किया है, ठीक है। She has not deviated from her path, and this approach reflects that आपको भी UPSC के answers में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के आंसर्स आपको देखने पड़ेंगे बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स द वेलफेयर स्ट्रक्चर फॉर दैट मैटर, ठीक है। देन आर्टिकल 2-3 इन्होंने हाईलाइट किया यहां पे, दैट इज द कीवर्ड दैट इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल नेशन और यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ठीक है। इन फॉर दैट मैटर सी हाईलाइटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर, ऑल दोज पॉइंट्स हाईलाइट द नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन एंड हाउ देयर इज अ डिविजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, एंड सी हैज गॉट द वेल मार्क्स हियर। आउट ऑफ 10 के अगर देखें तो 4.5 इज एन एवरेज गुड मार्क्स, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बार मार्क्स थोड़े बहुत कम देते हैं, बट ओवरऑल इफ यू सी द मार्क्स कैन वेरी फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको 4 मिल रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, यू कैन गेट 5 मार्क्स इन सच मेन एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। सो दैट्स वाई लुकिंग इन टू द टॉपर्स कॉपी विल गिव अस एन इंपॉर्टेंट इंसाइट्स विथ रिगार्ड टू हर स्ट्रक्चर, यूसेज ऑफ फैक्ट एनालिसिस एंड हाउ विल सी इज विद द डिस्कशन पार्ट विथ रिगार्ड टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द कमेंट्स विच सी हैड गॉट इन द इंस्टीट्यूट, दैट आर्गुमेंट्स गिवन आर गुड, वैन One thing she has missed, that the quasi-federal and cooperative federalism. Yes, she has missed this point, that the point of quasi-federalism. So she has got the marks here that you have not well discussed the quasi-federalism. So remarks bhi inko proper mile hain. Us aapse she might have improved herself and with so must have helped to get the 131 marks in the GS paper 2. More clarity will be taken after we look at the question number 2. The question number 2 is all to the different questions, different demands. If you read the question, that our interest in and fascination for democracy often pushes us into the taking a position that democracy can address all social economic problems, critically analyze. So looking upon the question, अगर क्वेश्चन को देखे तो इससे एक क्रिटिकल डायमेंशन हमें समझ में आती है, और क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है और हमारा जो चाहत है डेमोक्रेसी को लेकर, उसने हमेशा हमें एक पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है जहां हम सोचते हैं कि हमारे देश के सारे आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम, दैट ऑल द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय दिस डेमोक्रेसी। इस पॉइंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है। बहुत ही वेग क्वेश्चन है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इंटेंड्स टू चेक योर क्लैरिटी विथ रिगार्ड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू सिस्टम्स। नाउ इन सच क्वेश्चन देयर इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहां पर आता है कि क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू इंट्रोड्यूस। हमें बहुत सारे पॉइंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, ठीक है, बट वी कैनॉट स्टार्ट राइटिंग
एब्सैक्टली कि कहीं भी कुछ स्टार्ट नहीं हो जाता। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको अगर आप खुद सॉल्व करो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू पॉज फॉर 5 सेकेंड एंड थिंक अपॉन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट सम इंट्रोडक्शन ऑन दैट पार्ट। यू विल फील मोर कन्फ्यूज कि कहाँ से स्टार्ट करें कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। एंड नाउ विल टॉक अबाउट सी द वे सी हैज स्टार्टेड द आंसर बिकॉज दैट हैज क्लिक विद द एग्जामिनर। ठीक है, सो सी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडिया विथ इट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कि इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड उसके पॉपुलेशन की उन्होंने बात की है। एंड द डेमोक्रेसी का क्या होता है, एक प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वल के रूप में। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यू नो देयर इज आर्टिकल 39(b)c व्हिच आस्क्स अबाउट द सेम थिंग। एंड सी हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बाय लुकिंग एट द सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फर्स्ट। ठीक है, इन क्वेश्चंस में एक और समस्या आती है एस्पिरेंट्स को कि कैसे लिखें, पैराग्राफ फॉर्म में लिखें या पॉइंटर्स बुलेट फॉर्म में लिखें। बहुत बड़ी समस्या है ये। अगर आप देखेंगे पिछले क्वेश्चंस को, इन्होंने एक यूज किया है सब हेडिंग का और पॉइंट्स का, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, डिमांड उसका क्रिटिकली एनालाइज है, सी वेंट विद द पैराग्राफ फॉर्म। बिकॉज सच क्वेश्चंस में आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने में बेहतरी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सब हेडिंग फॉर्म में जाएंगे, पॉइंट्स फॉर्म में जाएंगे, तो आपको हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। विदाउट जस्टिफाइंग द सेम पॉइंट योर मार्क्स विल नॉट बी देयर। ठीक है, तो इस कारण से सी हैज वेंट फॉर द पैराग्राफ फॉर्म ऑफ आंसर। ठीक है, बिकॉज दैट हैज सूटेड हर विल एंड इन सच क्वेश्चन द पैराग्राफ फॉर्म ऑफ आंसर विल बी मच बेटर टू राइट। ओके, सो इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट सिंस डेमोक्रेसी इन्वॉल्व चेक एंड बैलेंस डिसीजन बाय द डिसीजंस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अराइव एट डिसीजन। सो पहला इन्होंने प्रॉब्लम क्या हाईलाइट किया यहाँ पे कि डेमोक्रेसी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा चल जाता है। ऑफ कोर्स अगर हम सोचे इस बात को कि अगर लंबा चलता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डिसीजंस लेट होंगे, पॉलिसी लेट बनेगी, एग्जीक्यूशन लेट होगा। और इसी चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है कि सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर पे उसका हैवी टोल पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल साथ में इन्होंने दिए हैं, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है आपके आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए। देन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड सी द वे सी हैज लिंक द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स विद द डेमोक्रेसी कॉलिंग इट एज ए कॉमन फेनोमेना कि हमारे पास जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अगर 100 में से किसी 36% वोटिंग पड़ जाती है तो वो एक सरकार बना सकता है, ही इज एबल टू मेक द गवर्नमेंट, मेक इट्स इट विल बी कॉल्ड एज मेजोरिटी पार्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट दैट ही हैज नॉट गॉट द 50%। सो इट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, सो उनके फिर कैंडिडेट्स कैसे होते हैं, मनी पावर मसल पावर का एक वैल्यू बढ़ जाता है जो डेमोक्रेसी थोड़ा सा आपका मेल नहीं खा पाता उस टाइम के अंदर। देन वी हैव द कास्ट आइडेंटिटीज, कास्ट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि डेमोक्रेसी जो हमारा है वो एक प्रॉपर तरीके से वर्क तो कर रहा है बट उसमें जो कमियां हैं उसे हम निखार नहीं, उसे हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। और दैट्स वाई एवरीथिंग वी आर गोइंग इनटू द फैसिनेशन फॉर द डेमोक्रेसी दैट माइट नॉट बी अ ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, सो सी हैज हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स विद द क्रिटिकली एनालिसिस पार्ट। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन इज ऑफन नेग्लेक्टेड। ठीक है, भले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है बट वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है, पंचायत पति वाले बातें हैं, फिर ट्राइबल इश्यूज इन्होंने हाईलाइट किया है। एंड लास्टली सी हैज कंक्लूडेड आंसर बिकॉज कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली एज वेल एज इंट्रोडक्शन। The democracy above can't do wonders. It must be accompanied by value enhancement of society. More emphasis on social economic upliftment rather than mere elections. So, इन्होंने conclusion में क्या लिखा है कि democracy का मतलब केवल elections नहीं होता। ठीक है, ये कोई आपको एक दिन के अंदर जादू नहीं कर सकता है बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक value enhancement of society and solving of the social economic problems. Further, one point she has missed which I want to highlight that डेमोक्रेसी का मतलब एंड और कौन से रिजीम से हमें फायदा हो सकता है, अगर हम डेमोक्रेसी ना लें तो कौन से रिजीम, ऑथोरिटेरियन रिजीम का है या नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने चर्चा नहीं की है। सी हैज गॉट दैट रिमार्क्स फॉर दैट मैटर, वेरी मिनिमल रिमार्क्स बट अप टू मार्क रिमार्क्स उनको मिला है कि आपने इस बात की चर्चा नहीं की है। ठीक है, सो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द वेरियस इनसाइट्स फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी दैट यू हैव टू बी गुड एट द फैक्ट्स एट द एनालिसिस and see the way she has analyzed the answers. Now, her clarity of thought is well visible. Clarity of thought, fair handwriting,
तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड सी हैज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर. सी हैज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर. कट टू कट आंसर दे रही है चीजों को लेकर ये. ठीक है. सो लेट्स विल सी यू अगेन. थैंक यू वेरी मच.